स्टूडेंट इन अवर प्रीवियस वीडियो लेसन 11 का एक्सप्लेनेशन हमने अच्छे से समझ लिया था। आज करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट इज व्हाई प्लेइंग गेम वी शुड। जब हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, हमें क्या करना चाहिए। फॉलो इट्स रूल्स, हिट्स ईच अदर या लीव व्हेन लूज। तो क्या करना चाहिए, गेम के रूल को फॉलो करना चाहिए, एक दूसरे को धक्का देना चाहिए या हार जाने पर गेम छोड़ देना चाहिए। तो आंसर किस पर टिक करेंगे, फॉलो इट्स रूल्स, उस खेल के नियम को पालन करेंगे। सेकंड इज फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू अन इंजर्ड पर्सन। ठीक है, जो फर्स्ट एड है हमको देना चाहिए इंजर्ड पर्सन को। कैसे देना चाहिए, आफ्टर 1 hour 1 घंटे आफ्टर व्हेन ही शी इज फिट। जब वे क्या हो, फिट हो जाए, या इमीडिएटली यानी जल्द ही। तो आंसर क्या होगा, इमीडिएटली। थर्ड इज कवर्ड डस्टबिन की अवे। कवर डस्टबिन होता है क्या चीज रखता है, फ्लाइज फ्लाइज या बीज। तो आंसर क्या होगा, फ्लाइज। क्वेश्चन नंबर 2 फिलिंग दी ब्लैंक। फर्स्ट इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स विद रेड हैंड। तो हमको कैसे हाथों से इलेक्ट्रिक गैजेट यानी बिजली के चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, तो रेड हैंड यानी गीले हाथों से। सेकेंड इज वी शुड नॉट गेट इन टू अ गैट ऑफ अ बस डैश। तो हमको क्या नहीं करना चाहिए, इन टू अ गैट ऑफ अ बस, कौन सी बस में, मूविंग बस में। ठीक है, ना ही चढ़ना चाहिए ना ही उतरना चाहिए। थर्ड इज वी शुड अवॉइड क्राउडिंग अराउंड अ रैश पर्सन। हमको अवॉइड करना चाहिए भीड़ किसके पास से, इंजर्ड पर्सन के पास से। ठीक है, जिसको लगी हुई है। फोर्थ इज दैट शुड बी कवर्ड, क्या कवर करके रखना चाहिए, डस्ट करें। हमको नुकीले ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। ट्रू। थर्ड इज वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ट्रू। ठीक है, हमेशा हम किसको क्रॉस करना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट दी फॉलोइंग। फर्स्ट इज वॉक, आपकी बुक में ये गलत दी हुई है, मैंने ब्लैंक बोर्ड पर सही मैच किया। वॉक को किससे मैच करेंगे, फुटपाथ पर, फुटपाथ पर चलना चाहिए। सेकेंड इज नाइफ, नाइफ कैसा है, शार्प ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो चाकू होता है वो शार्प नुकीला होता है। थर्ड इज ओपन वायर, तो इलेक्ट्रिक शॉक, जो ओपन वायर यानी खुला तार छोड़ दें बिजली के, तो उससे हमको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक। फोर्थ इज द ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसका करता है कैरेज डर्टी वाटर अवे, जो गंदा पानी होता है उसको कैरेज करके रखते हैं। फिफ्थ इज फ्लाइज, फ्लाइज क्या होती है, स्प्रेड डिजीजेस, जो मक्खियाँ होती हैं वो बीमारियाँ फैलाती हैं। सिक्स्थ इज विंडो, विंडो का काम करती है कि लाइट द सनलाइट इन, और सन